हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग जी? तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में पाइप से पानी कैसे ऐड किया जाता है उसको जल्दी वर्क कराने के लिए। तो आप सिंपली इस तरह से कर लें जिस तरह से आप देख रहे हैं। अच्छा, क्योंकि जो हमारे घर का पानी है वो बहुत क्लीन है, इस वजह से मैंने पाइप पर जो है ना कोई भी कपड़ा वगैरह या सोक वगैरह नहीं कैरी किया कि जिससे पानी फ़िल्टर होके जाए। अगर आपके घर का पानी मैला है तो आप यहाँ पर इसकी जो है नोज़ल है वहाँ पर कोई भी पुराना सोक या कोई भी कपड़ा आप अपने हाथ से कैरी करके इसको पानी को ऐड कीजिएगा ताकि कोई भी कचरा ऐड ना हो। एज़ यू गाइज़ नो कि इसके जो पीछे से है ना वो पानी का पाइप, उसमें जो है फ़िल्टर लगा हुआ होता है, तो ये बेहतर रहेगा। और देखें कितनी मतलब थोड़े से टाइम में ये पानी फुल हो गया है, क्योंकि मुझे जल्दी थी तो इसलिए मैंने ऐसा किया। अदरवाइज़ मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ, लेकिन कोई बुरी बात नहीं है अगर आप जल्दी काम करना चाहते हैं तो जी। तो यहाँ पर मैं इसमें सोक में मैंने सोप डाला है और ये भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं बेडशीट्स वॉश करने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने डिटर्जेंट ऐड कर दिया है। आज के दो टॉपिक हैं, हाउ टू वॉश बेडशीट्स एंड हाउ टू ऐड वाटर फ्रॉम टॉप। ओके, आप चाहें तो डिटर्जेंट बॉक्स में डाल दें, लेकिन मैं नहीं डालती, एज़ इट इज़ डाल देती हूँ। तो चलें, स्टार्ट कर दिया है हमने मशीन को और यहाँ पर आप आ जाएंगे प्रोग्राम में। और मैं इसके लिए हैवी सिलेक्ट करूँगी, टॉवल हो या फिर ऐसी कोई भी हैवी चीज़ हो जिसको ज़्यादा सफाई की ज़रूरत हो उसको मैं हैवी पे लगा लेती हूँ। और वाटर लेवल मैंने 6 रखा है लेकिन ऑलरेडी फुल है। और वॉश टाइम वगैरह आपने अपने टाइम से अपने हिसाब से सेट कर लेना है। ओके, सो इसको स्टार्ट कर देना है तो ये चलने लग जाएगी क्योंकि इसमें पानी फिल है। अच्छा, जो लोग बोलते हैं ना कि ऑटो वॉशिंग मशीन में कपड़े अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं, तो उनको चाहिए कि वो सर्फ बहुत मतलब थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करें, और तो सर्फ के साथ साबुन भी यूज़ करें, और तो ये करें कि सॉफ्ट टाइम ज़रूर दें कपड़ों को ताकि उनकी मेल कुचेल नरम होकर निकले। और यहाँ देखें कि जो है ना मशीन को मैंने कितने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ऊपर से इसकी जो शीट थी इसको भी मैंने जो है ना टेप से कवर कर दिया है ताकि इसके पैनल को भी पानी वगैरह ना लगे, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो इसको भी आप ऐसे ही कर लीजिएगा अगर आप न्यू ले रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना बबल्स अच्छे से बन चुके थे एंड नाउ इट्स टाइम टू ऐड आवर शीट्स। मैं यहाँ पर एक साथ मतलब यूँ समझे कि 3 बेडशीट्स वॉश करने वाली हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने टॉवल ब्लैंकेट जो है ना वो भी वॉश करना था तो मैंने वो भी ऐड कर दिया था, बिकॉज़ ये 15 केजी की वॉशिंग मशीन है तो आई कैन ईज़िली वॉश दीज थिंग्स टुगेदर। और अगर एक दूसरे पर कलर नहीं चढ़ने वाला तो ओके, सो यहाँ पर ऐड कर दिया हमने और फिर से इसको हम स्टार्ट कर देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी मतलब चलना शुरू कर देगी। बहुत आसान है इसमें बैटरीज वॉश करना, बस वॉश टाइम ज़्यादा बढ़ा लें, फुल कर लें, क्योंकि 20 है मेरी मशीन में तो मैंने 20 ही रखा है और मैंने सॉक टाइम भी दिया था 10 मिनट का। ओके जी, तो जब तक कपड़े धुल रहे हैं हम यहाँ पर बना रहे हैं जी बिरयानी। आपको बिरयानी रेसिपीज चाहिए तो वो अपलोडेड हैं, आप चेक कर लीजिएगा। और ये तो बिल्कुल अलग बनाई थी मैंने, इसको रिकॉर्ड नहीं किया था, इसमें कोई टमेटो मैंने ऐड नहीं किया जी। तो यहाँ पर 14 मिनट्स लेफ्ट थे जब मैं आई थी ऊपर, और ये अपना जो है ना 1 रिंस पे काम कर रही थी और इसके बाद इसने स्पिन करना है। अच्छा, देखने में ऐसी लगती है कि ये कैसा ढीला डाला काम कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी, कपड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं। अभी मुझे खुद 1 साल होने वाला है इस मशीन को यूज़ करते हुए जी। तो यहाँ पर स्पिन हो रहा है, बस 3 मिनट्स बाकी हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जी। तो यहाँ पर कपड़े वॉश हो चुके हैं और बहुत अच्छे से वॉश हो चुके हैं, बस अब इनको मैं बाहर धूप में डालूँगी क्योंकि कपड़े चाहे ड्राई हुए हों लेकिन उनको धूप लगाना बहुत लाजमी है। एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू क्लीन फिल्टर्स, ये आप हर बार कर लिया करें, जो नहीं करते उनको बोल रही हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय।